हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ मैंने प्रीफिक्सेस यहां पर लिखे हुए हैं कि प्रीफिक्स लगा करके आप वर्ड को कंप्लीट करो। प्रीफिक्स यानी कि आपके सामने जो पीछे लिखा हुआ है उसके सामने कुछ ऐसा जोड़िए कि एक नया वर्ड निकल करके आ जाए, राइट। देखिएगा, प्लेस के आगे अगर मैं डिसप्लेस जोड़ दूं या मिसप्लेस जोड़ दूं, मिसप्लेस ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, मिसप्लेस जोड़ देते हैं। चलिए, मिसप्लेस खो गया, राइट, मिसप्लेस मतलब खो गया। नेक्स्ट देखिए, डिकोड, कोड मतलब किसी चीज को अगर कोडिंग दे दी है आपने तो उसको कोड बोलते हैं। डिकोड मतलब जब आप ओपन कर देंगे किसी चीज को, राइट। वेंट में अगर मैं प्री जोड़ दूं तो प्रिवेंट यानी कि रोकना। नेक्स्ट सोशल, सामाजिक है ना, इसी को अगर हम एंटी जोड़ दें इसके अंदर तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, एंटी सोशल, क्लियर है। नेक्स्ट है ओबे, ओबे में अगर मैं डिस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, डिस ओबे। कोई आपकी बात को जब नहीं मानता या किसी की बात को फॉलो नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, डिस ओबे। एक्ट, ओवर लगा दूं तो यहां ओवर एक्ट बन जाएगा, ओवर एक्ट। एक्ट मतलब जितना करना चाहिए, ओवर एक्ट मतलब जितना करना चाहिए तो उससे ज्यादा एक्ट कर दिया, उससे ज्यादा शो कर दिया। नेक्स्ट है सेप्टिक, सेप्टिक के आगे अगर मैं एंटी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एंटीसेप्टिक, राइट। नेक्स्ट है एज, एज के आगे अगर मैं ओवर जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ओवर एज, ओवर एज मतलब एज से ज्यादा। नेक्स्ट है पीईएनडी, पेन, इसके आगे अगर मैं डी जोड़ दूं, डीई, तो क्या बन जाएगा, डिपेंड। नेक्स्ट सर्व, इसके सामने अगर मैं प्रीफिक्स लगा दूं प्री, प्री, तो क्या बन जाएगा, प्रिजर्व, यानी कि संभाल कर रखना, प्रिजर्व बन जाएगा। तो ये आपके प्रीफिक्सेस से कुछ नए वर्ड्स निकल करके आ गए, जिस हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। नेक्स्ट है करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन रूट वर्ड, कुछ रूट वर्ड दिए गए हैं जिनसे कुछ ना कुछ वर्ड बने हैं, तो इन रूट वर्ड का मीनिंग क्या होगा। देखो, डुओ एक वर्ड है, डुओ का मतलब हमें बहुत क्लियरली पता है, बहुत बार सुना भी हुआ है हम लोगों ने, है ना, गूगल डुओ, गूगल डुओ करके एक ऐप भी बनी है। नहीं, वो वाला डुओ नहीं है, है ना, वो वाला डुओ नहीं है। माइंड आपका पता है मुझे कहां चला जाता है, जैसे ही मैंने डुओ बोला आधे बच्चों का माइंड चला गया होगा, गूगल डुओ नाम का भी एक ऐप है ना, मैम उसी की बात कर रही है लगता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बात कर रही हूं, आप सामने यहां देखिए, ध्यान यहां लगाइए, इधर उधर ऐप पे मत जाइए, है ना। डुओ का मतलब होता है टू। एयूडी, ऑड, ऑड यानी ऑडिबल, यानी साउंड, लिसनिंग, राइट। तो यहां आप लिख लीजिए साउंड या फिर लिसन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा बिब्लियो, बिब्लियो यानी बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियो से हमारा बुक भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बुक। नेक्स्ट है सीड, सी ए डी, सीड, सीड का मतलब गो, सेड, सेड का मतलब क्या है, गो। नेक्स्ट है ईगो, ईगो मतलब आई, मैं, यानी कि सेल्फ, तो यहां आप लिख लीजिए फटाफट से सेल्फ, ये लीजिए, ये आपका रूट वर्ड का सबका मीनिंग मैंने निकाल करके यहां दे दिया है। बच्चे यही काम आपको एग्जाम में भी करना है और बहुत ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत प्रैक्टिस के साथ में आप लोग एग्जाम में जाएंगे, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, और आपका ICAI का स्टडी मटीरियल ही आप फॉलो करिए, उसी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। वहां बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, राइट, बहुत अच्छे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और ज्यादा नॉलेज पॉलिश होगा। अब देखिए, यहां हमारा वोकैब का कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा फिनिश हो गया है, राइट। कुछ हमने क्लासेस में कर लिया था, कुछ हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपके सामने है राइटिंग फॉर्मल मेल्स, कुछ फॉर्मल मेल्स की राइटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम कवर करेंगे, क्वेश्चन में वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करूंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मेल लिखो मिस्टर नवीन बंसल जो कि प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन होता है जो सिंगल बिजनेसमैन होता है, अपना बिजनेस चलाता है, नुकसान भी उसी का, फायदा भी उसी का, राइट। तो वो प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है उसने, बिजनेस भी उसी का, ये स्मॉल स्केल पे बिजनेस होते हैं। आई होप सो आपको पता होगा, अकाउंट्स के अंदर में आपने बहुत सुना होगा इस सब के बारे में, राइट।
एक मेल लिखो मिस्टर नवीन बंसल को, जो कि प्रोप्राइटर है चेल्सिया के, जो कि एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट ऑफर कर रहे हैं लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। रेस्टोरेंट की चेन ऑफर कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को एक डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे रहे हैं, लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे रहे हैं और चेन ऑफ रेस्टोरेंट ऑफर कर रहे हैं, राइट? चेन ऑफ रेस्टोरेंट ऑफरिंग कर रहे हैं योर लेटेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यहां आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है? सब्जेक्ट में आपको यह लिखना है कि न्यू ऑफर ऑन फर्निशिंग्स, फर्निशिंग पे नया ऑफर आया है, ये आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको पता है ना, सब्जेक्ट आपका कैची होना चाहिए जिससे कि रीडर अट्रैक्ट हो जाए। सेकंड, ओपनिंग करेंगे जब आप पैरा स्टार्ट करेंगे ना, पैरा की स्टार्टिंग करेंगे तो पैराग्राफ आप ऑफर लिखते हुए स्टार्ट करेंगे कि हमारा ऑफर जो है वो ये है, राइट? थर्ड, ऑफर में स्पेशल डिस्काउंट के बारे में आप बताएंगे और ये भी कहेंगे कि जो हमारे ओल्ड वैल्यूड कस्टमर हैं, जो हमारे कीमती कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर, उन सभी लोगों को हम एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान से लिखना है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट में आपको ऑफर वाली बात लिखनी है कि ऑफर किस चीज पे है, फर्निशिंग्स पे। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, पैरा जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफर की बात से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग की ही कुछ लाइंस रीड करते ही रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, राइट? नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, ऑफर करना है स्पेशल डिस्काउंट। अगर आपका कोई ओल्ड कस्टमर है और वैल्यूड कस्टमर है तो उसको आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना है। नेक्स्ट, डिटेल्स। डिटेल्स किसकी देंगे? प्रोडक्ट की, राइट? तो आप यहां लिख लीजिए डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है कन्विंसिंग। देखो, कन्विंस ऐसे करना कि कस्टमर को कन्विंस करने जा रहे हो, मतलब कन्विंसिंग होना चाहिए आपका, क्लाइंट बनाने का इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। कन्विंसिंग कस्टमर के लिए या फिर क्लाइंट के लिए प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है मेंशन करेंगे वेबसाइट। सबसे नीचे आप क्या करेंगे, वेबसाइट मेंशन कर देंगे जहां पर और भी सिमिलर प्रोडक्ट वहां पर देखे जा सकते हैं। आपकी वेबसाइट का डोमेन आप मेंशन कर देंगे, नाम आप मेंशन कर देंगे वेबसाइट का, सो दैट कि और भी प्रोडक्ट, वो सिमिलर प्रोडक्ट या अलग प्रोडक्ट को भी कोई जाकर के वहां वॉच कर सके। मेंशन वेबसाइट टू वॉच या फिर व्यू प्रोडक्ट्स, राइट? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट टू प्लेस। रिक्वेस्ट टू प्लेस ऑर्डर एट अर्लीस्ट। आपको रिक्वेस्ट करना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए कि जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर प्लेस करें, हमारा जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है या जो ऑफर है उसमें लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, ऐसा लिख करके आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्लेस किया जाए। क्लियर है? सो ऐसा आपको मेल ड्राफ्ट करना है अगर कोई ऑफर के लिए मेल आता है तो। नेक्स्ट है राइट मेल टू मिस्टर संतोष देसाई। एक मेल लिखिए मिस्टर संतोष देसाई को रिस्पॉन्डिंग टू हिज क्वेरी। मिस्टर संतोष देसाई ने कभी कोई क्वेरी की होगी उसकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड देने के लिए। वैसे तो हम लोग रिस्पॉन्ड बहुत देर में देते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना। हमको क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करना है सो दैट की कनेक्टिविटी प्रॉपरली बनी रहे। रिस्पॉन्ड करना है मिस्टर संतोष देसाई की क्वेरी का अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज इन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिमर एंड शाइन। शिमर और शाइन नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके अंदर में कॉस्मेटिक्स की और टॉयलेटरीज की अवेलेबिलिटी के बारे में आपको बताना है। मिस्टर संतोष देसाई को उनकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना है। तो कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले मेंशन क्वेरी लेटर एंड डेट। जिस दिन क्वेरी की थी मिस्टर संतोष देसाई ने, उनका वाइड डेटेड नंबर आप देंगे, राइट? तो आप यहां लिख लीजिए वाइड डेटेड, ऐसे करके आप लिखेंगे क्वेरी का लेटर, और क्वेरी लेटर में जो डेट लिखा हुआ था वो आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि आपने सो एंड सो डेट पे क्वेरी की थी और क्वेरी लेटर में आपने ये लिखा था। सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी क्वेरी की थी उसमें से जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट आप बना देंगे प्रॉपरली। स्टेट दैट यू मेक अ बिजनेस कमिटमेंट। ये लिखना है आपको कि आपने एक बिजनेस कमिटमेंट किया है ओनली आफ्टर 25% एडवांस पेमेंट। 25% एडवांस पेमेंट होगा
एंड रिमेनिंग पेमेंट कितने दिन में होगा? 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ये बात भी आपको लिखनी है, पेमेंट तो मेन मुद्दा है, पेमेंट तो आना ही आना चाहिए। बताओ बिना पेमेंट के कैसे काम चल जाएगा, है ना? 25% पेमेंट एडवांस होना चाहिए और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आपका कब तक हो जाना चाहिए? वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ये आपको बातें यहां पर बिजनेस कमिटमेंट के लिए लिखनी है। नेक्स्ट है मेंशन टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप कितने समय में गुड्स की डिलीवरी कर देंगे मिस्टर संतोष देसाई के पास, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वुड बी प्लीज्ड टू आंसर एनी फर्दर क्वेरीज। आपको ये भी लिखना है कि अगर कोई भी फर्दर क्वेरी होती है तो वो आपसे क्वेरी कर सकते हैं, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है क्वेरी से रिलेटेड तो आपको ऐसे मेल ड्राफ्ट करनी है। मैं सिर्फ की पॉइंट्स यहां कवर कर रही हूं। राइट अ मेल टू मिस शिखा शर्मा। एक मेल लिखो शिखा शर्मा को, उनको रिमाइंड करवाने के लिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू हैव सेंड टू हर, जो आपने उनको दिया था रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सर्विसेज टू हर कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशन। मेंटेनेंस सर्विसेज ग्लोबल सॉल्यूशन को जो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी उससे रिलेटेड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिमाइंड करवाओ मिस शिखा शर्मा को और उनको एक लेटर लिखो, एक मेल करो उनको, राइट? मेल के थ्रू आप उनको ये बातें सारी लिखो। फर्स्ट हम क्या पॉइंट कवर करेंगे, रिमाइंड दैट यू हैड सेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सो एंड सो डेट। उनको रिमाइंड करवाओ कि आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया था सो एंड सो डेट पे एंड नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। मतलब पहले तो ये बता दो कि इस डेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट भेजा और फिर ये बता दो कि आपने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, टिल डेट कोई भी रिप्लाई हमारे पास नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेंशन डेट ऑफ मीटिंग एंड डिस्कशन ऑफ डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेंशन करो क्या, मेंशन करो डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग की जो डेट है ना वो मेंशन कर दो कि कौन सी डेट पे मीटिंग आपको रखनी है और डिस्कशन करना है कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स से रिलेटेड, ये बात आप मेल में लिख दो। नेक्स्ट है आस्क इफ एनी फर्दर डिटेल्स। अगर कोई और भी डिटेल आपको पूछनी है पहले वाले के अलावा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस कर सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। मतलब अगर उनकी साइड से भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई पॉइंट आपको पूछना है, फर्दर डिटेल्स लेनी है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सीक मीटिंग टू डिस्कस एनी इश्यूज दैट हैव कम अप। आप एक मीटिंग रखें, मीटिंग रखने के लिए बोले जिसमें आप इश्यूज डिस्कस करेंगे, वो इश्यूज जो इश्यूज अराइज हो सकते हैं आ सकते हैं फ्यूचर में। इन केस ऑल इज वेल, अगर सब कुछ ठीक रहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो आपको अप्रिशिएट करना है। ऐसा मत करना कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ नहीं और अप्रिशिएट कर दिया। मैंने कहा इन केस ऑल इज वेल, सब कुछ अगर ठीक रहे तो ही अप्रिशिएट करना, वैसे अप्रिशिएट मत कर देना। क्लियर है? तो यहां तक आपको ये वाला काम करना है। मतलब ऐसी कोई मेल अगर आपको बनानी है तो इसमें ये पॉइंट्स को आपको कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा।